हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस नया ड्रेसअप में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। तो ब्लाउज की कटिंग हम इस वाले ब्लाउज के नाप से कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेस्ट का नाप लेना है इस तरीके से, और ब्रेस्ट है इसकी 21.5 एक साइड से, और उसके बाद में हमें ब्लाउज की नीचाई का नाप लेना है इस तरीके से। तो 15.5 इसकी नीचाई है ब्लाउज की। सबसे पहले हमें कपड़ा हमारा जैसा है उसे लंबी साइड में हमें ओपन कर लेना है इस तरीके से। तो आपको कपड़ा पूरा ओपन नहीं करना है, ये मैंने इस तरीके से कपड़ा ओपन किया है, ऐसे ही करना है आपको भी। तो ऐसे कपड़े को ओपन करने के बाद में ये मैंने अपनी ब्रेस्ट का निशान लगाया है, 2 इंच एक्स्ट्रा है दोनों साइड में, इस तरह ही मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो मेरी चेस्ट की साड़ी से कपड़ा उसके बाद करने के बाद में आपको, और इसके बाद में यहाँ से मैं बाजू के लिए कपड़ा निकालूंगी और इसको सीधा निशान लगा के यहाँ से इसे कट कर दूंगी। तो इस कपड़े में से हम बाजू निकालेंगे, तो इसे हमें साइड से यहाँ से कट कर लेना है। तो ये मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब हमारा ये कपड़ा इस तरह से है, तो हमें ये हमारी ब्रेस्ट का नाप था, तो ये हमें कपड़ा इस तरीके से ओपन करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से कपड़ा करने के बाद में हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो इसे हम तीरा वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो तीरे वाले ब्लाउज़ में हमारा जो आगे वाला पार्ट होता है ब्लाउज़ का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि उसकी तीरे की सिलाई लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें बाद में उसमें पट्टी लगा के अंदर फोल्ड करना पड़ता है। तो ये मेरी नीचाई, इसकी नीचाई है 15.5 इसकी नीचाई है। तो यहाँ से 15.5 इतना हुआ, तो ये हमारा फिक्स हो गया। नॉर्मल ब्लाउज काटेंगे तो हम यही ऐसे ही निशान लगाएंगे, और अब हम तीरा वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो ऐसे करके उसे एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये आगे वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है। तो यहाँ तक मेरी 15.5 हो गई है, और ये हमारा पीछे फोल्ड हो जाएगा इतना, और ये इसके बराबर है, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इसे हम तीरा वाला ब्लाउज कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना होता है। तो हमारा इसका तीरा है, तो 12.5 इसका तीरा है, तो उसका हाफ हम 6 लेंगे। ये हुआ 12.5 और इसका हाफ हुआ 6। तो यहाँ से ऐसे 6 पे निशान लगा लेना है इस तरीके से, और उसके बाद में ये मैंने 4 इंच का मुड्डा कट किया है इसमें, और उसके बाद में यहाँ से ऊपर सिलाई के लिए छोड़ने के बाद में हमें नीचे गले का निशान लगाना है। आपको जितना गला करना है उतना करो, और इसके बाद में यहाँ से मुड्डा हमें लगाना है 6 इंच पर निशान। तो यहाँ से मैं इसे सीधा कर दूँगी, और इधर की साइड भी ये मुझे सीधा कर देना है, और ये हमारी ब्रेस्ट हो गई यहाँ तक, और उसमें 2 इंच प्लस ये हमारी फिटिंग के लिए।
तो यहाँ से 1 इंच अंदर निशान लगा के और इसे गोल कर देंगे, और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा गला है 6.5 इंच का आगे, और इधर भी हम ऐसे ही निशान लगा के और यहाँ से इसे भी गोल कर देंगे। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा कट करके ऊपर वाले पोर्शन के हमें 2 उठाने हैं और 2 लेके उनको कट करना है इसी शेप में, जिस शेप में हमने निशान लगाया है। और ये हमारा आगे वाला कट हो गया है। उसके बाद में इस साइड में हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये मैंने ऐसे निशान लगाया और इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। और इसको कट करने के बाद में हमें अपने गले की कटिंग करनी है आगे वाले की। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा कट करना है और यहाँ मुंडे पर थोड़ा छोटे छोटे कट लगा देने हैं दोनों साइड में। और ये कट लगाने के बाद में हमें आगे वाले पार्ट को उठा के इसको कट कर देना है। तो ये मैंने आगे वाला पार्ट कट कर दिया है और इसको यहाँ से ओपन कर देंगे जो हमारा आगे वाला पार्ट है। तो ये मैंने ओपन कर दिया है आगे वाला पार्ट। उसके बाद में ये हमारी बटन पट्टी में जो हुक वाली पट्टी होती है उसमें जाएगी इतना कपड़ा। और इसको हम इस तरीके से हटा के अब हम पीछे वाले गले के निशान लगाएंगे। आपको जितना भी गला करना है उतना निशान लगा लीजिए। तो इस ब्लाउज के गले का नाप है 9.5। तो यहाँ से 9.5 पर निशान लगा लेना है और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से गोल कर देना है। तो यहाँ से ये मैंने कट कर दिया है। तो हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है। तो उसके बाद में ये जो हमारे मुड्डे के पास से जो कपड़ा निकला था उसमें से हमें आगे की हुक वाली पट्टी और हाई वाली पट्टी दोनों निकालनी है। तो हमें जिसमें हुक लगाने हैं उसे हम 2.5 इंच की कट करेंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी कट कर दी है। उसके बाद में जहाँ हुक लगाएंगे वो वाली पट्टी हमें 3 इंच की कट करनी है। तो ये मेरे ब्लाउज की पट्टियाँ कट हो गई हैं हुक वाली और हाई वाली। और इसमें से मैं बाजू कट करूँगी। और बाजू कट करने के लिए ये मैंने कपड़ा जो 2 लेयर में कपड़ा था वो मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है
और इसकी बाजू का नाप लेंगे तो इसकी बाजू है 5.5 की, तो इससे हमें एक्स्ट्रा करनी है, इसे 5 इंच और एक्स्ट्रा करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 1.5 इंच नीचे फोल्ड होने में जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे करेंगे और ये हमारी फिक्स होगी, यहाँ से फिक्स है कपड़ा। और यहाँ से ऐसे सीधा निशान लगाएंगे और ये सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम 3 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में उसको शेप दे देंगे ऐसे। शेप देने के बाद में यहाँ से मेरी बाजू है 6.5 इंच की और उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे 1.5 इंच और यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे। और इसी की तरह इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से कट करने के बाद मैं हमारे आगे वाले पार्ट के 2 पर्त उठा के और उसमें से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है, ये 2 उठा के इसमें से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है आगे वाले साइड जो आएगा उसमें। तो ये मैंने कट कर दिया है तो मेरी बाजू की कटिंग भी हो गई है। और इसके बाद में हम करेंगे अपनी पाइपिंग की पट्टियों की कटिंग। तो इसमें हमें तीरा लगाना है तो हम पहले तीरे की कटिंग करेंगे। तो इसका तीरा है 5.5 से स्टार्ट है इसका तीरा, तो यहाँ से थोड़ा सा पाइपिंग के लिए छोड़ के और 6 पर निशान लगाएंगे, इतना सिलाई के लिए जाएगा। उसके बाद में इतना तो हम फोल्ड करेंगे ही और उसके बाद में 2.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ से और इसे शेप दे देंगे तीरा की। और इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगी। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। और अब हम जो हमारे गले पर पाइपिंग लगेंगी उनकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे गले के अंदर से जो कपड़ा निकला था हम उसी में से गले की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ी टेढ़ी पट्टियाँ कट करनी हैं। ये लगभग 1 इंच की पट्टियाँ हैं। तो ये हमारी पट्टियाँ कट हो गई हैं जिनसे हम पाइपिंग लगाएंगे अपने ब्लाउज़ में। तो हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आपको ये कटिंग समझ में आई कि नहीं आई आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।